मुस्लिम समाज को एक बैनर तले लाकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के हित में कार्य करने अंजुमन ने अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक दिवसीय आयोजन कर सदस्यता अभियान चलाया गया। अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले दुर्ग के केलाबाड़ी स्थित मुस्लिम सराय में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने एक मंच पर लाने सदस्यता अभियान चलाया। वहीं इस अभियान में पहुंचे लोगों ने खुद ब खुद अपने अपने मोबाइल से चार कोड को स्कैन कर अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़कर इसका हिस्सा बने। हम आपको बता दें कि अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े मोहम्मद रजा खोकर अशरफी ने बताया कि मुस्लिम समाज आज अलग अलग तंजीमों में रहकर भी समाज के लिए कोई भी ठोस कार्य नहीं कर पा रहा है। साथ ही आज के दौर में सबसे जरूरी शिक्षा व स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें या हमारे परिवार को भटकना पड़ता है। इसी कड़ी में समाज को एक बैनर तले लाकर समाज के हित में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से हजरत सैयद महमूद अशरफ जिलानी किछौचा शरीफ की सरपरस्ती में अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट में समाज के लोगों को सदस्य बनाकर जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु विशेष रूप से उपस्थित होकर समाज सेवा कार्य करने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के ट्रस्ट के बारे में अपने विचार रखे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष आयोजनकर्ताओं ने जानकारी दी। आज अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो दूर कायदे मिल्लत हजरत सैयद महमूद अशरफ अशरफुल जिलानी की छोछा मुकद्दसा के चेहरे सरपरस्ती में इस चैरिटेबल का गठन किया गया है। इस चैरिटेबल का मकसद आने वाले वक्त में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो काम करना है, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारी मुस्लिम समुदाय के बीच में चर्चाएं हुई है। हमारे आलिम और मौलाना मुफ्ती इसमें शिरकत किए, उन्होंने अपना अपना सलाह मशवरा इसमें रखा है और बहुत जल्द आने वाले समय में आपको छत्तीसगढ़ सूबे के अंदर यूनिवर्सिटी और हेल्थ के ऊपर से हॉस्पिटल डेवलप होता आपको नजर आएगा। आज का जो कार्यक्रम हुआ है और मुश्तरका तौर पर जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की है, इसका मकसद सिर्फ ये है, एजुकेशन और हेल्थ के ताल्लुक से हमारा मकसद इस मिशन का ये है कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मेडिकल के ताल्लुक से ये मिशन का आगाज़ किया जा रहा है। इसके सरबराह आला हमारे कायद मिल्लत यानी हमारे मुर्शिद हक्कानी हुजूर सैयदना सैयद अल्लामा सैयद महमूद अशरफ अशरफियुल जिलानी जिन्हें कायद मिल्लत कहा जाता है, वो सफ़ीर अमन व मोहब्बत है, वो इसके रूह रवां है इस मिशन के और उनकी तायद के मुताबिक इंशाल्लाह उन्हीं की दुआओं के साए ये नौजवान सब मिल करके इस काम को अंजाम पजीर देंगे। इसीलिए संस्कृत मुस्लिम संस्कृत भवन में आज का ये जलसा इनकाद किया गया है अपनी कौम को कौम मुस्लिम को बेदार करने के लिए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम करके ये नौजवान दिखाएं ताकि यादगार बन जाए। बस आज हमारे जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें आने वाली नस्लों को कुछ देना है ताकि आने वाली नस्लें इस मिशन से फ़ायदा उठाकर अपनी तरक्की की राह पर हमेशा चलते रहें। हमारे कायदे मिल्लत की ये फिक्र है कि हमारी कौम में हमारे लिए एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक कम्युनिटी हॉल, इसका इनेकात होना चाहिए। इसकी फिक्र में ये अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट को इजाद किया गया है, यही मकसद है इसका। बहरहाल इस अवसर पर कौम के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।